सत श्री अकाल स्पीड न्यूज देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। दिल्ली आबकारी घोटाले च फसे आम आदमी पार्टी के नेता से साबका उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया लिए अज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला। सिसोदिया ने रेगुलर जमानत लिए राउज एवन्यू कोर्ट च अर्जी दायर की, जिस तरह सुनवाई होगी। इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट भी उन्होंने पटीशन से अपना पक्ष पेश करेगा। अपनी पटीशन सिसोदिया ने हर हफ्ते अपनी पत्नी मिलने लिए दो दिन की हिरासती पैरोल की भी मांग की, इस ही जमानत देने की बकायदा बेनती भी की। 28 जनवरी राउज एवन्यू कोर्ट ने उन्होंने पटीशन से सुनवाई करते इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को अपना पक्ष पेश करने लिए कहा। दिल्ली में बीते दिन हुई बारिश से तेज हवावों कारण आबो हवा में सुधार देखने को मिले। इस दिनाल ही दिल्ली का AQI लेवल खतरनाक श्रेणी तो हुण मध्यम श्रेणी च आ गया। हवा गुणवत्ता सूचकांक 177 से, जबकि एक दिन पहला हवा गुणवत्ता सूचकांक 386, जिसन बहुत खराब मनिया जाता है। मौसम विभाग ने बदल से संघनी धुंध की भविष्यवाणी की है। अज वध तो वध अते घट्टो घट्ट तापमान क्रमवार 20 डिग्री से 9 डिग्री सैलसीयस के आसपास रहने की संभावना। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रधान शरद पवार के पोते ते विधायक रोहित पवार तो महाराष्ट्र राज सहकारी बैंक घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने 8 घंटे तक पूछगिछ की है। पिछले 10 दिनों में दूसरी बार जब ईडी ने रोहित पवार तो पूछगिछ की है। करजत जामखेड़ के विधायक रोहित तो केंद्रीय एजेंसी ने इस तो पहला 24 जनवरी में पूछगिछ की थी। दक्षिणी मुंबई के बैलार्ड एस्टेट स्थित ईडी के दफ्तर पहुंचे तो रात 9 बजे तो बाद दफ्तर तो चले गए। इस तो पहला परिवारक मैंबर उन्होंने ईडी दफ्तर आए हुए सन। इटैलियन मीडिया मुताबिक सिर्फ 400 यूरो लिए सन 2009 तो एक इटैलियन खेतीबाड़ी मालिक भारतीय नागरिक बलबीर सिंह तो 11 घंटे काम करवाता सी। इस तो इलावा मालिक ने उसनों अपनी एक पुरानी शेड में रिहायश भी दी हुई थी, जिस विच ना बिजली से ना कोई होर सहूलत। बलबीर नूं हफ्ते में 7 दिन 11 घंटे काम करने के बावजूद कोई छुट्टी भी नहीं दी जाती। इस दी पिंड इटैलियन समाज सेवक मार्को मिजलो जिहड़ा कि भारतीय कम्यूनिटी के हकों लिए पिछले कई सालों से लड़दा आ रहे नूं पै गई, जिहड़ा कि बिना देरी पुलिस प्रशासन नाल लैके उस ठिकाने ते पहुंचे जिथे बलबीर सिंह नरक कट्टण लिए मजबूर से। घटना सन 2017 की है। पुलिस प्रशासन ने बलबीर सिंह के हो रहे शोषण का आखिर जिथा हाल देखते उस नूं आजाद करवाया ते इटैलियन मालिक ते उसके परिवार उपर केस दर्ज कर लिया। माछीवाड़ा साहब के नेड़े पिंड लखोवाल कलां के निवासी छिंद्रपाल के नौजवान पुत्र अमन कुमार की शकी हालत में मौत हो गई। उसकी लाश पिंड तो कुछ किलोमीटर दूर ही सड़क किनारे मिली है। मृतक के पिता छिंद्रपाल ने पुलिस को बयान दर्ज करवाया कि उसका पुत्र रमन कुमार करीब 4 महीने पहला ही सऊदी अरब तो परते से हुण वह पिंड में ही रह रहे थे। लंघी 31 जनवरी अपने घरों मोटरसाइकिल गया थे। देर रात उन्होंने सूचना मिली कि उन्होंने पुत्र पिंड तो किलोमीटर दूरी से सड़क से डिग्गया पे। जब उन्होंने मौके जाके देखा तो रमन कुमार की मौत हो चुकी। पंजाब के सरकारी बसों में सफर करने वाले ने एक बार फिर तो परेशानी का सामना करना पैसा। दरअसल भलके PRTC पनबस के सारे डिपो बंद रहेंगे। PRTC चंडीगढ़ डिपो के कच्चे मुलाजमों वालों हड़ताल का ऐलान किया गया। ऐलान तो बाद रस्ते में गई बसा डिपो में वापस आ रही हैं। जड़िया बसा डिपो में खड़िया ने नहीं चलन। चंडीगढ़ डिपो के मुलाजमान ने दसिया कि 100 तो बाद बसा बंद कर दी गई। उन्होंने दसिया कि चंडीगढ़ डिपो के जनरल मैनेजर वालों भ्रिष्ट अधिकारियों विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, इसकी बजाय उन्होंने पक्ष पूरिया जा रहा। चंडीगढ़ च 1 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में फरार चले आ रहे ड्रग कंट्रोल अफसर सुनील चौधरी ने जिला अदालत आत्मसमर्पण कर दिया है। वह करीब 5 महीनों तो फरार से। अदालत ने सुनील चौधरी 3 दिन के पुलिस रिमांड से भेज दिया। गिरफ्तारी तो बचने लिए मुलजम ने पहले जिला अदालत से फिर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में अगाऊ जमानत पटीशन दायर की। दोवां थावों तो पटीशन खारिज होने तो बाद उसने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच की। सुप्रीम कोर्ट वालों पटीशन खारिज होने मगरों अज उसने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने उसे आत्मसमर्पण करने का हुक्म दिया। हरियाणा तो सिर्फ 530 नौजवान इजराइल जाएंगे। इजराइल च 10,000 वर्करां की भर्ती प्रक्रिया च 1370 उम्मीदवार ने अप्लाई किया, जिन्हों च सिर्फ 530 ही इजराइल की टिकट मिल सकी है। हरियाणा में भर्ती मुहिम 16 से 20 जनवरी तक रोहतक में आयोजित की गई थी। हुण सरकार फिर तो हरियाणा हुनर रोजगार निगम राही अजिही भर्ती कराने की तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश तक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई, जिथे एक व्यक्ति ने अपनी 8 साला बच्ची का गला काट दिया। यही नहीं, अजिहा करते समय उसने बच्ची सामने 2 साल पुराना राज भी उगल दिया, जिस कारण उसने उसे दी धी ने जेल पहुंचा दिया। यह मामला भोपाल है, जिथे 29 जनवरी एक मतरे प्यो ने अपनी 8 साला बच्ची का गला रेडियम कटर नाल काट दिया। अजिहा करते समय उसने बच्ची सामने कहा कि उसने 2 साल पहला बच्ची की मां को भी इसी तरह मारिया। इस तो बाद बच्ची मरी हुई समझ के झाड़ियों च सुट के चला गया। फिलहाल स्पीड न्यूज बस इना ही, मैनू दियो इजाजत। धन्यवाद।